ए वतन मेरे वतन ट्रेलर उषा के रूप में सारा अली खान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती है। ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। सारा अली खान की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इस सिनेमाई यात्रा का हिस्सा बनने के अवसर के लिए मनोरंजन और प्राइम वीडियो। ए वतन मेरे वतन हमारे देश विशेषकर युवाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाती है और मैं 21 मार्च और इस कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने का इंतजार कर रहा हूँ। ट्रेलर भारतीयों की अदम्य भावना का जश्न मनाता है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आजादी के लिए अपने जीवन सहित सब कुछ बलिदान कर दिया। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सारा अली खान ने कहा, ऐ वतन मेरे वतन में इतना शक्तिशाली किरदार निभाना शब्दों से परे एक सम्मान की बात है। मेरे चरित्र की भावना को मूर्त रूप देना और उसकी चेतना में गोता लगाना और यह समझना कि उसे क्या प्रेरित और प्रेरित करता है विनम्र और सशक्त रहा है। ये फिल्म अनगिनत गुमनाम नायकों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है और मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रमाण है। मैं इस सिनेमाई यात्रा का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए निर्देशक कन्नन अय्यर, धर्माटिक एंटरटेनमेंट की टीम और प्राइम वीडियो का बहुत आभारी हूँ। ऐ वतन मेरे वतन हमारे देश विशेषकर युवाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाती है और मैं 21 मार्च और इस कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने का इंतजार कर रहा हूँ। अपनी उत्पत्ति से ही ऐ वतन मेरे वतन एक फिल्म निर्माता के रूप में मेरे लिए एक गहरा समृद्ध और परिवर्तनकारी अनुभव रहा है। ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित होने के साथ साथ यह फिल्म उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि है जिनकी असाधारण वीरता ने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, निर्देशक कन्नन अय्यर ने कहा। सावधानी पूर्वक अनुसंधान भावुक कहानी कहने और वर्षों के समर्पण के माध्यम से हमने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना और इसके लोगों के लचीलेपन को प्रामाणिक रूप से पकड़ने का प्रयास किया है। ऐ वतन मेरे वतन प्रेम का परिश्रम और एक गहन आत्मा वाली कहानी है जो सारा के असाधारण प्रदर्शन से और समृद्ध हुई है जिसने चरित्र में गहराई सूक्ष्मता और प्रामाणिकता ला दी है। मैं 21 मार्च को प्राइम वीडियो पर फिल्म के प्रीमियर के लिए उत्सुक हूं और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के माध्यम से हम नई पीढ़ी को स्वतंत्रता एकता और साहस के मूल्यों को संजोने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो हमारे देश की पहचान को परिभाषित करते हैं। ऐ वतन मेरे वतन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक कम ज्ञात अध्याय के बारे में एक हार्दिक कहानी है। ये फिल्म मेरे द्वारा अब तक की गई किसी भी चीज से अलग है, अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा, जिनकी विशेष भूमिका है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राजनीतिक नेता की भूमिका निभाना एक सम्मान की बात रही है। कन्नन के साथ यह मेरी दूसरी फिल्म है जो इस कहानी में जुनून से प्रेरित उद्देश्य की एक अनूठी भावना लाता है। ये सारा के साथ मेरी पहली फिल्म भी है जिसका प्रदर्शन निस्संदेह दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देगा। मैं इस बात से उत्साहित हूँ कि प्राइम वीडियो के साथ इस जैसी मार्मिक कहानी वैश्विक दर्शकों तक पहुँचेगी। देशभक्ति थ्रिलर ड्रामा एक धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। फिल्म का निर्माण करण जौहर और अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा द्वारा किया गया है। कन्नन अय्यर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अय्यर और दारा फारूकी ने लिखा है। फिल्म में अभिनेता सारा अली खान मुख्य भूमिका में है। उनके साथ सचिन खेडेकर, अभय वर्मा, स्पर्श श्रीवास्तव, एलेक्सो नील और आनंद तिवारी महत्वपूर्ण भूमिका में है और इमरान हाशमी एक विशेष अतिथि भूमिका में है। ए वतन मेरे वतन का प्रीमियर विशेष रूप से भारत में प्राइम वीडियो पर और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 21 मार्च को हिंदी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब के साथ होने वाला है।